नर्मदे हर दोस्तों, आज चातुर्मास का दूसरा दिन और बहुत बारिश हुई कल रात को और मैया का पानी बढ़ गया है। और कितना बड़ा है आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पीछे भंडारेश्वर महादेव और मैया का पानी कितना बड़ा है दिखाता हूँ। ये देखिए, किसी का सामान जा रहा है बह के। विराट रूप है मैया का। पानी बढ़ता जा रहा है दोस्तों, एक एक फुट। देखिए कितना सा पानी था और यहाँ पे सागर दिख रहा है पूरा। हर दोस्तों, आज हम जो आपने सेवा दी है उसका सामान लेने जा रहे हैं। साधुओं के लिए कुछ प्रसादी का सामान वगैरह और किराने का सामान हम लेने जा रहे हैं। जो आपने दी है सेवा, उस बेस पे हम लेने जा रहे हैं। महाराज जी और मैं जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे वो क्या क्या सामान होगा और क्या क्या ज़रूरत है और कितने की ज़रूरत होती है यहाँ पे और वो कितने दिन चलेगा, उस हिसाब से हम सामान लेके आएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। और बाकी धन्यवाद नर्मदे हर, जो सेवा का मौका आपको मिला और मुझे भी मिला, उसके लिए माँ नर्मदा जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आपके थ्रू, मेरे थ्रू इनको सेवा का मौका मिला। और संतों की सेवा हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, आप कर रहे हो अच्छा, उसके लिए महाराज जी भी धन्यवाद बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम अब महाराज जी और मैं सामान लेने जा रहे हैं गांव में, शिनोर में जा रहे हैं। महाराज जी चल पड़े, महाराज जी तो चप्पल भी नहीं पहनते। मैंने चप्पल पहनी है। और इधर मैया देखिए, बहुत पानी बढ़ गया है, ज़्यादा ही हो गया है पानी। और यहाँ पे रास्ता ख़राब है, सरकता है, इसलिए धीरे धीरे आराम से चलना पड़ रहा है। और ये रोड थोड़ा दूर है आश्रम से, लेकिन अभी बनने वाला है कुछ दिनों बाद, ऐसा बोल रहे हैं। बन जाए तो अच्छी बात है, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी परिक्रमावासी को और महात्माओं को। यहाँ नेचर बहुत अच्छा हो गया है, सब हरा भरा। और यहाँ पे है आश्रम, देखिए। कि मैं बता रहा था कि मैं निमित्त मात्र हूँ, तो आप जो दंडवत वगैरह लिखते हैं कमेंट में तो प्लीज़ ना लिखिए, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ उम्र से भी और साधना से भी। इस वजह से मैं आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और नर्मदा जी के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम है। चलिए करते हैं हम सेवा, और आपको भी करनी चाहिए ऐसा लगता है मुझे। देखिए ऑटो आ गया है, हमने ऑटो मंगाया था क्योंकि इधर बारिश है और सामान ज़्यादा है इस वजह से। हम किनारे से शिनोर में आए हैं, ये मेन शिनोर का गेट है। बाजार में आ गए हैं हर दोस्तों। तो अब हम मार्केट से लौट चुके हैं, महाराज जी और हम, मैं गया था, और जो राम राम इंडिया परिवार के सदस्यों ने सेवा की थी उसका सामान आ चुका है। आश्रम के लिए सेवा आ चुकी है और पहुंच गई है। क्या क्या सेवा आई है वो भी दिखा देता हूं मैं। और बहुत अच्छी सेवा की है आपने, उसके लिए दिल से धन्यवाद। महाराज जी भी बोलेंगे इसके बारे में, लेकिन सामान आपको दिखा देते हैं पहले क्या सेवा। देखिए दोस्तों, ये जो हम लाए हैं ये मैट है, और ये मैट इसलिए लाए गए हैं क्योंकि आश्रम के ये जो यहाँ बाहर दीवारें दिख रही है, यहाँ से पंगत बैठती है तो वहाँ पानी आ जाता है और हवा चलती है, बहुत कुछ मिट्टी उट्टी आ जाती है और पंगत के वक्त हवा चलती है। बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से ये मैट लाए हैं। ये 90 फुट है, लगभग 90 फुट, ऐसे बहुत बड़ा है, मतलब 2 मैट है ये। और ये एक प्लास्टिक का, ये भी, ये थोड़ा कॉस्टली हो गया। और यहाँ पर ये सारा सामान है, देख लीजिए आप।
फलारी का सामान, जो उपवास में आते हैं संत उनके लिए ये सामान है, फलारी ये भी उपवास के लिए है, और बाकी ये चावल राम आटा राम ऐसे ही है सब, और ये तेल, और ये आलू है इसमें, और ये सब्जी, और ये पोहा, मतलब बाल भोग के लिए, परिक्रमावासी और साधु संतों के बाल भोग के लिए ये सब है। और ये सामान अभी हम ऑटो छोटा था इस वजह से इतना सामान लेके आए, इतना ही सामान और हम दुकान पे छोड़ के आए, वो बाद में लेके आ जाएंगे हम ऑटो दूसरा करके, तो ऐसा। और महाराज जी से मिलिए, और महाराज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए जो हमको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं या दान कर रहे हैं? नर्मदे यार, प्रसाद ने बहुत अच्छी सेवा कर दी है। देखो स्वयं मुझे लेके गए और बाजार से सब सामग्री लेके आए, सामान लेके आए, आश्रम में पहुंच गए अभी प्रसाद ही पाए। प्रसाद बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सबके लिए। नर्मदे यार, नर्मदा मैया सबको खुशी रखे, आनंद रखे, सदा सुखी रहे। देखो प्रसाद जो सेवा कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन्म जन्म का पुण्य हो जाता है, और जो साधु संत की नर्मदा किनारे जो सेवा करता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। परिक्रमा करने का मतलब है कि 21 कुल का उद्धार हो जाता है, लेकिन जो परिक्रमावासी की सेवा करते है तुम लोग, साधु संत की सेवा करते है, तो उसका पुण्य तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाता है। उसीलिए साधु संत की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि अगर तीर्थों में दान करते, 1 रुपया दान करते तो उसका 100% फल मिल जाता है तीर्थों में दान करने से। और माता नर्मदा के किनारे दान करोगे वो तो बहुत भाग्यशाली है। और प्रसाद भी देखो उसके माता पिता की कितनी पुण्य होगी कि नर्मदा किनारे आकर साधु संत की सेवा करता है। हमारे पास भी आए, अभी चतुर्मास करने वाले हैं, और ये सामग्री प्रसाद के वजह से आ गया। ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए जिसने जिसने सेवा की है। जिसने जिसने सेवा की है उसे बहुत में आनंद हो गया, प्रसन्न हो गया, और साधु संत की सेवा करने से तो आनंद ही हो जाता है, कई जन्मों का तो पुण्य उदय हो जाता है। दोस्तों पानी बहुत बढ़ गया है, चिंता का विषय हो गया है, मैया बहुत बढ़ गए हैं, पूरा यहाँ तक पानी आ गया है आप देख सकते हो, और कितनी बड़ी मैया यहीं से ऊपर से दिख रही है, और बारिश अभी हो ही रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है देखिए, और इतना घास घूस सब कचरा उचरा सब शहरों का बाकी आता जा रहा है दिन भर होता जा रहा है। अब आरती होने वाली है, शाम के 7:30 बज रहे हैं, चलिए आरती करते हैं। अब आरती की तैयारी हो गई है, श्रृंगार भी हो गया है। दोस्तों आज पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, खतरे की घंटी बज रही है, और पानी बहुत ज़्यादा मैया में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और बारिश भी बहुत खतरनाक हो रही है। अगर ऐसी बारिश रही रात भर तो पानी बहुत ऊपर आ सकता है, आश्रम तक पहुंच सकता है, देखते हैं क्या होता है, मैया जो करेगी ठीक ही करेगी। मौनी बाबा जी ने रोटी बना दी है रात के भोजन प्रसादी की। आज हम आश्रम में सबकी पहचान कराएंगे, ये है प्रवीण जी गुजरात से, बाबा मंगलदास जी, कहाँ से बाबा जी आप? गुजरात से ही, ठीक। बाबा जी आप कहाँ से? नाम? नोमाजी। ठीक है। और मोनी बाबा यहाँ पे छुप रहे हैं देखिए। मोनी बाबा छुप रहे हैं, लेकिन वीडियो में इतनी बार आ चुके हैं। और ये स्वामी शिवानंद जी महाराज, ठीक है। और ये रहे मोनी बाबा। दोस्तों हम जा रहे हैं मैया के पानी का लेवल देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज खतरे की घंटी है, बहुत सारे आसपास के गांव बाढ़ आ गई है ऐसा हमने न्यूज़ में देखा, महेश्वर खरगोन इस साइड बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है, तो यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हाइट है बहुत,
लेकिन फिर भी यहाँ खतरा है ही। मैया से क्या खतरा, लेकिन फिर भी टेंशन की बात है थोड़ी सी। देखिए पूरा ऊपर आ गया पानी, दिखाइए बाबा जी थोड़ा पानी में ये टॉर्च डाल के। देखिए अब यहाँ तक आ गए ना हम, टॉर्च डालिए टॉर्च डालिए। हाँ नहीं नहीं नीचे गया पानी, नीचे वो जो दिन में था वहीं तक है। हाँ वहीं तक है, ऊपर नहीं आया है पानी ज्यादा ही है। बस अब आगे नहीं जाना बाबा, आगे नहीं जाना। आज पानी का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ गया है आसपास के शहरों में, और अगर रात भर बारिश रही तो यहाँ भी पानी थोड़ा ऊपर और आ सकता है। लेकिन सीढ़ियाँ देख के तो पता चल रहा है कि अभी नीचे ये जितना नीचे था सुबह या दिन में ऊपर बढ़ा नहीं है अभी। लेकिन जैसे हमने न्यूज़ में देखा कि बहुत सारे शहर और गांव उसमें बाढ़ आ गई है, जबलपुर के एक गांव में पूरा पानी चढ़ गया था, इस वजह से उस गांव डूब गया, वो बहुत सारा सामान यहाँ पे बह के आ गया था। ये ऐसा ही मौसम रहता है, देखिए हमें जहाँ जाना होता है छाता लेके जाना पड़ता है, और ज़रा से गीले हो गए कपड़े कि समझो वो 3 दिन तक नहीं सूखेंगे। इसलिए हम वैसे कॉटन के कपड़े हैं सारे सफ़ेद है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। लेकिन मैया के दर पे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, और चढ़ भी गया पानी नहीं भी चढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, हम मज़े में हैं। चलिए नर्मदे हर।